योगी ने दी बदमाशों को चेतावनी, सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। अगले ही दिन बदमाश फुरकान रोते हुए पहुंच गया थाने। योगी आदित्यनाथ ने कैराना दौरा किया था और वहां खुले मंच से अपराधियों बदमाशों को कड़ी चेतावनी दी थी। उसके बाद से ही वहां इसका असर देखने को मिला है। चेतावनी के अगले ही दिन कैराना का खौफ कहे जाने वाले बदमाश फुरकान ने अपनी जमानत तुड़वाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और वो कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे अंदर कर दो साहब। आपको बता दें कि अगस्त 2014 को दिन दहाड़े व्यापारी विनोद सिंघल की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप कैराना के रहने वाले इस फुरकान पर लगा। हत्या में वांछित फुरकान को पुलिस ने 2017 में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक फुरकान पर लूट, हत्या, रंगदारी के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस समय वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आकर मौज मस्ती में जी रहा था। लेकिन जैसे ही सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना में अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी और कैराना में अपराधियों द्वारा मारे गए व्यापारियों के परिजनों से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिया, तब से ही सारे बदमाशों में खलबली मच गई और योगी का डर सताने लगा और उसके बाद से ही अपराधी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। ये है कानून का खौफ। अब आपकी क्या राय है योगी के इस खौफ को लेकर, हमें जरूर बताएं। और देखते रहे हिंदुस्तान पॉजिटिव।